आज आप सभी लोगों ने बिहार के न्यूज़पेपर में 70,000 वैकेंसी की एक न्यूज़ देखी होगी, जिसमें कहा गया है कि बिहार में पुनः एक बार 70,000 वैकेंसी आने वाली है। इसमें आपको 9th, 10th, 11th, 12th के साथ साथ 6 to 8 की वैकेंसी आपको मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु आपका स्वागत करता हूँ स्टेट एस्पिरेंट दीपांशु दीक्षित में। देखिए, जो 70,000 वैकेंसी आने वाली है, इसमें आपको 6 to 8 की भी वैकेंसी मिलेगी। अब इस 6 to 8 के लिए आपको या तो बीएड हो या डीएलएड हो, इन दो में से कोई हो, और इसके साथ साथ सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग सीटेट के पेपर 1 के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, सीटेट पेपर 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आने वाले दिसंबर में है। जिन भाइयों भाइयों और बहनों का सीटेट पेपर 2 क्लियर है, वो तो बिहार शिक्षा भर्ती 6 to 8 के लिए प्रिपेयर करें और अच्छी तरह से तैयारी करें, जिसमें उनका सिलेक्शन एक पक्का हो सके। लेकिन जिनका सीटेट पेपर 2 क्लियर नहीं है, वो दुविधा में है कि उनको अपीयरिंग में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, ऐसा है कि मान लीजिए बिहार सरकार सीटेट अपीयरिंग को अलाउ कर देती पिछली बार की तरह, तो आपको मौका मिल सकता। अगर आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर नहीं होगा तो आपको मौका नहीं मिलेगा। जैसा कि इस बार लोगों का सिलेक्शन हो गया बीपीएससी शिक्षक भर्ती में और उनका सीटेट क्लियर नहीं है, अर्थात पेपर 1 क्लियर नहीं हुआ, अपियरिंग में उन्होंने दिया था और वो पास हुए, तो वो शिक्षक भर्ती से इनडायरेक्टली रूप से बाहर हो गए। इसी तरह हो सकता है इस बार 6 to 8 में आपको मौका मिल जाए, पेपर 2 आप अपियरिंग में भर सकें, और आपका अगर पेपर 2 क्लियर नहीं हुआ तो आप शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको सीटेट पेपर 2 का आपको पूरा पैटर्न पता होना चाहिए, किस तरह से पेपर आता है और पेपर कब होगा। तो अगर इस पेपर की बात करें, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो अप्रॉक्सीमेट नवंबर के आसपास या नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ फॉर्म देखने को भी मिल जाएगा आपको। और इसका जो एग्ज़ाम है ना, 15 दिसंबर के बाद होता है, या ये कह लें 20 के बाद होता है, तो 25 के आसपास आपको इसका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। यानी कि नवंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और 1 महीने बाद आपको लगभग आपको एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, तो आपका इसमें आता है हिंदी, इसमें आता है आपका इंग्लिश, इसमें आता है आपका मैथ्स, इसमें आता है चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड पेडागोजी, इसको चाइल्ड डेवलपमेंट भी बोल लेते हैं, और इसमें आता है आपका पेपर 2 में आता है आपका साइंस, इसमें आता है आपका साइंस। ये तो हो गया आपके 5 सब्जेक्ट। अब प्रत्येक सब्जेक्ट के मार्क्स क्लियर डिक्लेयर है कि किस सब्जेक्ट से कितना पूछा जाएगा, तो हर सब्जेक्ट से 30-30 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस आते हैं, 30-30 मार्क्स के आते हैं, जिनमें आपका दो तरह से पैटर्न डिवाइड होता है। 30 मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट के दो तरह से डिवाइड होते हैं। पहला 15 मार्क्स में आपका कंटेंट पूछा जाता है, जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, और दूसरे 15 मार्क्स में आपकी पैडागोजी पूछी जाती है, जो सब्जेक्ट पैडागोजी होती है। तो इस तरह से इनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इनके लिए आप प्रिपेयर कहाँ से करें और कैसे प्रिपरेशन करें, तो अब हर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हैं, हिंदी के लिए आदित्य प्रकाशन की बुक आती है, एक वाइट कलर की बुक है, आप उससे हिंदी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की बुक आती है, इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मैथ्स के लिए आप, और साइंस के लिए यदि आपके पास कोई कोर्स है तो बेहतर है, और आपके पास नहीं है तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने पढ़ा रखा है, फ्री रिसोर्सेज है मैथ साइंस के लिए भी। 4 सब्जेक्ट हो गए। अब चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड पेडागोजी की बात करें, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आप हिमांशी मैम का एक लेट्स लर्न करके चैनल है, आप इनसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हिमांशी मैम से, हिमांशी मैम से आप अपना सीटेट क्लियर कर सकते हैं। इसमें उन्होंने सारे सब्जेक्ट की पैडागोजी भी पढ़ाई है। तो आप इनका यूट्यूब चैनल है लेट्स लर्न, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए जाके, और जहाँ पे आपको इन सारे सब्जेक्ट की पैडागोजी मिल जाएगी, चाइल्ड डेवलपमेंट आपका सीटेट पेपर 2 का लगभग बहुत पूरा प्रिपेयर करवा देती है इसमें, और मैथ साइंस के लिए आप यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप मैथ साइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। सारा कॉन्टेंट प्रिपेयर कर लेंगे तब आप PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाएंगे। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने मैथ का कोई चैप्टर पढ़ा, तो आप उस सब्जेक्ट से, उस चैप्टर से रिलेटेड
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट यूज करिए, जिससे आपको क्लियर हो कि आपका जो टॉपिक या सब्जेक्ट वो कितने परसेंट तैयार हुआ है। इस तरह से आप पूरा प्रिपरेशन करेंगे तो आपको सीटेट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब अगर इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं कि इसका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है, तो देखिए कैटेगरी में इसका होता है 82, ये कैटेगरी का है, और 90 मार्क्स होता है जनरल्स का। ये आपका कैटेगरी में होता है 82 मार्क्स और 90 मार्क्स होता है जनरल का। ये था पूरा सीटेट का एक पैटर्न था जो कि दिसंबर 2023 में आने वाला है। अगर आपका सीटेट से रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको कमेंट में ज़रूर आंसर करेंगे।